हेलो जी वेलकम वालेकुम uh, आज की जो वीडियो है उसका थीम है हु वर्सेस होम ये दो वर्ड्स हैं बेसिकली दो प्रोनाउंस हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं और लोग इनका अक्सर ग़लत इस्तेमाल कर रहे होते हैं होम की जगह हु यूज़ कर रहे होते हैं और हु की जगह होम यूज़ कर रहे होते हैं तो इस वीडियो में आज मैं आपको uh, सिखाऊंगा कि कब आपने हु यूज़ करना है और कब आपने होम यूज़ करना है और बेसिकली इनमें जो एक थिन लाइन है इन दोनों प्रोनाउंस में वो क्या है और इन दोनों के यूज़ को कब और कैसे डिफ्रेंश करना है और ये कब और कहाँ यूज़ होते हैं तो इन शब आपको ये लेक्चर समझ में आएगा तो मिसर रही स्टार्ट करते हैं ओके okay, तो हु वर्सेज होम आज हमारी वीडियो है हमारी वीडियो का टॉपिक है सब्जेक्ट है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू मस्ट रिकॉगनाइज इन दैट दे पोथ आर रिलेटिव प्रोनाउंस ओके ठीक है तो हु इज़ सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन एंड हुट रिलेटिव प्रोनाउन अच्छा अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हु जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन देगा एवरी टाइम अबाउट सब्जेक्ट एंड हुम हमें इंफॉर्मेशन देगा एवरी टाइम अबाउट ऑब्जेक्ट ठीक है कैसे इसकी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं आई हैव अजन Who drives taxi in Karachi? Okay, there is someone who is asking about you. Okay, Kashif who has been studying here forever recently left the school. अच्छा अब इन तीनों सेंटेंसेस में common क्या है? आप देख रहे हैं कि इन तीनों सेंटेंसेस में common चीज़ जो है वो ये है that subject is basically performing the action. ठीक है? I have a cousin. ड्राइव टेक्स इन कराची इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो है कजन आई है कजन एंड सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ओके सो दब्जेक्ट इज डूंग ओके सेकेंड एग्जाम्पल देर इज समन इज आस्किंग अबाउट यू देयर इज समन मिस्ट्री पर्सन इज आस्किंग अबाउट यू तो जो मिस्ट्री पर्सन है जो सम वन है Basically, he is doing the action of asking. He or she is doing the action of asking. So, subject is performing the action. Subject is doing the action. And whenever subject does the action, we use who. Okay. Third example. Kashif, who has been studying here forever, recently left the school. Kashif jo hai, wo subject hai. And the subject is performing the action of studying. Okay. काशिफ हुज़ बीन स्टार्टिंग हेयर फॉर एवर रिसेंटली रिसफ्ट द स्कूल कंक्लूजन इसका हम ऐसे भी दे सकते हैं कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हों जो हमारा समझ लें आपके टॉपिक और डिस्कशन का इफ दैट पर्सन इज़ डूइंग द एक्शन वी यूज़ हु और द सब्जेक्ट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्शन वी यूज़ होके अच्छा जी अब हम आते हैं होम पे एग्जाम्पल नंबर वन टॉग इज एन एनिमल होम मोस्ट पीपल कंसीडर फेथफुल दैट्स द गाय होम शी टॉट इंग्लिश एक्स वाई जी इज अ क्रिमिनल होम पुलिस वॉन्ट्स टू अप्रीहेंड अच्छा अब इन तीनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है देखें इस तीनों सेंटेंसेस में कॉमन ये है कि जो हमारे पास हम वो ऑब्जेक्ट है या वो पर्सन है फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास जो एनिमल है हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो बेसिकली दैट एनिमल इज़ रिसीविंग द एक्शन जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिसीविंग द एक्शन यानी कि डॉग जो है वो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि होम किसको डिफाइन कर रहा है ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है So I'm saying that dog is an animal whom most people consider faithful. So the people are doing the action of considering a dog faithful. And dog is basically receiving that action. Okay? And the second sentence that's the guy whom she taught English. So the guy here is object and he is receiving the action. And who is performing the action? The teacher. ओके शी टॉट इंग्लिश द टीचर इजो परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ टीचिंग एंड द गाय स्पेसिकली रिसीविंग दैट एक्शन यानी कि हम जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं वो बंदा बज़ाते ख़ुद कोई काम नहीं कर रहा बल्कि वो एक्शन को रिसीव कर रहा है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकती है कि अब्दुल सत्तारिजी इज़ द पर्सन हुम मोस्ट पीपल एडमायर सो so बेसिकली अब तो सत्तार ईद ही इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ पीपल ठीक है एंड पीपल आर परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ एडमायरिंग हिम ठीक है ठीक है जी थर्ड एग्जाम्पल है एक्स वाई जी इज अ क्रिमिनल होम पुलिस वॉन्ट्स टू अप्रीहेंड तो एक्स वाई जी जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया है ठीक है एंड ही इज रिसीविंग द एक्शन सही है और रिसीविंग और एक्शन कर कौन करना कौन चाह रहा है पुलिस तो हम एक्स वाई जी क्रिमिनल को डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट क्रिमिनल इज़ रिसीविंग दी एक्शन तो होम का कंक्लूजन ये निकला कि आप जिसके बारे में बात कर रहे होंगे वो एक्शन बजाते ख़ुद करने के बजाय उस एक्शन को रिसीव कर रहा होगा ठीक है अनलाइक हो जिसमें सब्जेक्ट खुद बेसिकली इन्वॉल्व होता है किसी भी एक्शन में इसका सबसे आसान तरीका जो है रिमेंबर करने रख उसको याद रखने का वो बहुत सिंपल है देखें वर्ब हमेशा हु, हु के बाद इस्तेमाल होगा ठीक है इन मोस्ट केसेस नॉट इन ऑल द केसेस बट इन 90% परसेंट केसेस ये चीज़ चेंज हो जाएगी जब आप इसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे बट डायरेक्ट में आपके पास हु के बाद वर्ब होगा आई हैव एन अंकल हु वर्क्स फॉर लॉक हिट ठीक है शी इज़ द टीचर हु टीच मैथ्स ठीक है लाइक like दैट और हुम में आपके पास प्रोनाउन uh, uh, होगा नाउन होगा हुम के बाद आपके पास प्रोनाउन हो सकता है नाउन हो सकता है और अ पर्सनस नेम भी हो सकता है टॉग इज़ एन एनिमल होम मोस्ट पीपल एड सी अ कॉमन नाउन इज है आफ्टर हुम ठीक है तो ये बहुत सबसे आसान तरीका है इन दोनों को इन दोनों के यूज़ को याद रखने का अच्छा अब होम जो होते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है होम कैन बी यूज एज क्वान्टिफायर्स एज वेल होम आर क्वान्टिफायर्स एज वेल सही है क्वान्टिफायर्स क्या होते हैं अगर आप आपनेट वन की वीडियो देखी है तो आपको उसमें बताया था मैंने कि क्वान्टिफायर्स सिर्फ वो वर्ड होता है वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ की कोांटिटी को बताए ठीक है, है किसी चीज़ की क्वान्टिटी को डिस्कस करें दैट वर्ड इज सिंपली नोन एज क्वान्टिफायर ठीक है अब आप देखें सेंटेंसेस टू एग्जांपल्स आर रही पीपल मोस्ट ऑफ होम आर फ्रॉम पाकिस्तान हैव मेमोराइज्ड कुरान करीम ठीक है और वैसे भी ये पाकिस्तानियों का एजाज है कि हमारे यहाँ अल्लाह के फजल करम से दुनिया में इस्लामी दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज़ कुरान हमारे मुल्क पाकिस्तान में पाए जाते हैं अलह अलहमदिल्ला तो इन दिस सेंटेंस आई एम सेइंग पीपल मोस्ट ऑफ होम आर फ्रॉम पाकिस्तान है मेमोराइज कुरान सो मोस्ट इज़ वॉट अ क्वान्टिफायर ठीक है इट इज़ इट इज़ जस्ट डिफाइनिंग द कोांटिटी कि ज़्यादातर उनमें से पाकिस्तान से हैं जिन्होंने कुरान को मेमोराइज किया हुआ है कुरान करीब हिफ्स किया हुआ है ठीक है इसकी एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला भी एक जनरेट आप कर सकते हैं कि द सब्जेक्ट प्लस क्वान्टिफायर मोस्ट सम फ्यू ओके

स्टार्टिंग इंजीनियरिंग हैव देयर एग्जाम्स टूमोरो ठीक है देन अगेन क्या यूज हो रहा है सम ऑफ होम सो होम यहाँ पर क्वान्टिटी को भी बता रहा है ठीक है ये तो दो एग्जाम्पल्स हैं आप इसके अलावा और भी यूज कर सकते हैं फ्यू ऑफ होम टू ऑफ होम थ्री ऑफ होम फोर ऑफ होम मैनी ऑफ होम एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके जी ये क्लियर हुआ है इसके बाद हु और होम क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं अच्छा अब स्पीकिंग में तो हु और होम का डिफरेंस इतना नोट किया नहीं जाता अगर आप हो who को होम की जगह यूज़ कर लें और होम को हो की जगह यूज़ कर लें तो कोई नोटिस नहीं करेगा इन डेली कन्फेबुलेशन इन डेली कॉन्वर्जेस में बट अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई कंपटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी इंग्लिश एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर वहाँ पर आप ये गलती करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड इट इज़ अ ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक है सो so, हम क्वेश्चन पे चलते हैं उसको डिफाइन करते हैं पहला क्वेश्चन है हु स्कोरड हाइस्ट मार्क्स इन द टेस्ट सिंपल वही चीज़ है सिंपल वही चीज़ है कि यानी कि हु मैं मेकअप यूज कर रहा हूँ जब मैं डायरेक्टली उस पर्सन की बात कर रहा हूँ जो कि एक्शन कर रहा है बेसिकली आई एम आस्किंग अबाउट द पर्सन हु स्कोर्ड हाइएस्ट मार्क्स इन द टेस्ट द पर्सन इज़ नॉट रिसीविंग द एक्शन बट द पर द पर्सन इज परफॉर्मिंग द एक्शन by him or herself okay second one is whom did she marry okay that mysterious person uh, which we don't have any idea about is basically receiving the action of getting married say or action perform conquercurr she she is married and that person we are asking about is basically receiving the action of getting married again Jack is the person. होम शी मैरीड अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूँ फॉर एग्जाम्पल तो मैं कहूँगा जैक इज द पर्सन होम शी मैरीड ठीक है तो अगर मैं इसका आंसर करूँ तो उसके आंसर में शी इज़ बेसिकली परफॉर्मिंग द एक्शन वेर इज़ द पर्सन जैक और एनी वन ठीक है इस पर कोई भी हो सकता है इस दैट पर्सन इज बेसिकली रिसीविंग द एक्शन ठीक है सो वी यूज हुम और राइट थर्ड एग्जाम्पल डू यू नो हु वॉन्ट द इलेक्शन सही है हु वॉन्ट दी इलेक्शन डू यू नो तो ठीक है इसमें क्या हो रहा है मैं डायरेक्टली उस पोलिटिकल पार्टी उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंक्वायर कर रहा हूँ जो डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म कर रहा है विनिंग का सही है सो आई एम यूजिंग हु वियर हु वॉन्ट द इलेक्शन ठीक है दैट पर्सन दैट पर्सन कैन बी एम पी है एम एन ए और एनी वन फॉम एनी पोलिटिकल पार्टी इज़ बेसिकली परफॉर्मिंग द एक्शन और विनिंग हु वॉन् दी इलेक्शन ठीक है वो बंदा खुद जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है विनिंग का ना कि वो एक्शन रिसीव कर रहा है ठीक है वेर एज अ फोर्थ एग्जाम्पल डू यू नो हुम ही वॉज फाइटिंग विद सो दर्सन जिसके बारे में हम नहीं जानते मिस्ट्री पर्सन है वो इज़ नॉट डूइंग द एक्शन ऑफ फाइटिंग बेसिकली हम एक्शन ऑफ फाइटिंग कर कौन रहे ही एन अदर मिस्टीरियस पर्सन वो कोई भी हो सकता है अगर मैं इसका आंसर करूँ तो कहूँ Uh, ali was the person whom shahbaz was fighting with for example take it so ali the action receive karek fighting ka, whereas shahbaz is actually fighting so shahbaz is basically the doer and ali is the receiver of the action so i used whom uh, here okay so uh, that's it uh, uh, I, I hope that uh, this video हेल्प्स यू अ लिटिल बिट थोड़ा बहुत आपके कन्फ्यूजनस क्लियर हुए होंगे एंड मेक श्योर टू रिवाइज इट प्रॉपरली प्रैक्टिस करें इसकी अच्छे से एंड आज फार एस आर्टिकल्स लेक्चर्स भी इस कंसर्न वो भी इन शाला कल तक अपलोड कर दिया जाएगा अच्छा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अपना ख्याल रखिएगा आस पास के लोगों को खुश रखिएगा जजाक अच्छा हाफ़